समुद्र में तैनात हुआ भारतीय सेना का एयरबेस, फ्रांस का राफेल, अमेरिका का F-18, रूस का MiG-29 के और स्वीडन का ग्रिपेन होंगे इस पर तैनात। दोस्तों, भारतीय सेना LSC सीमा पर पहली बार अपने खतरनाक मूड में दिख रही है। इस बार चीन को जबरदस्त टक्कर देने की तैयारियां पूरी कर ली गई है और टक्कर भी ऐसी कि चीनी सेना की सांसें थम गई है। दरअसल अभी तक चीन तो केवल लद्दाख में ही घुसपैठ को अंजाम दे रहा था, लेकिन अब वे हिंद महासागर में भी अपनी सबमरीन को भारतीय सेना पर वार करने के जद्दोजहद में लगा चुका है। ड्रैगन की सेना भारतीय सेना को युद्ध के लिए ललकार रही है, लेकिन अब भारतीय सेना ने भी चीन को ललकारा है। चीन की PLA सेना में हिम्मत हो तो भारतीय सेना को रोक कर दिखाए। LOC से लेकर LSC तक चीन और पाकिस्तान की हवाई साजिशों को नाकाम करने के लिए भारत का सुपर फाइटर जेट राफेल हुंकार भर रहा है। भारतीय वायुसेना की ताकत में इजाफा करने वाला राफेल भारतीय नौसेना के लिए भी तैयार हो रहा है। नेवी के राफेल जेट का गोवा में परीक्षण शुरू हो चुका है। भारत के स्वदेशी ISC विक्रांत के लिए सुपर फाइटर जेट की खोज के तहत राफेल की नेवी वर्जन यानी कि राफेल M का परीक्षण किया जा रहा है। अगस्त 2022 तक ISC विक्रांत समुद्र में पहरेदारी के लिए चीन का काल बनने के लिए समुद्र में उतार दिया जाएगा, जिसको खूंखार बनाने के लिए भारत की ओर से एक जबरदस्त फाइटर जेट को खोजने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। भारत फाइटर जेट की खोज में कई देशों के फाइटरों की निगरानी कर रहा है। दरअसल अभी हाल ही में एक गुप्त खुलासा हुआ है कि चीन ने समुद्र के नीचे अपनी पनडुब्बियों को तैनात कर दिया है, जो भारतीय क्षेत्रों की ओर बढ़ रही है। तभी से भारतीय नौसेना भी हिंद महासागर में सतर्कता बढ़ानी शुरू कर दी है। इसी कड़ी में नौसेना के विक्रांत को जल्द से जल्द समुद्र में उतारने की तैयारी को तेज कर दिया है, क्योंकि विक्रांत एक ऐसा शिकारी है जो शिकार को निगलने में जरा भी देर नहीं करता है। ISC विक्रांत के अभी तक जितने भी परीक्षण हुए हैं, सभी पैरामीटर पर यह खरा उतरा है और अब बस इसको एक खूंखार फाइटर जेट की जरूरत है, जिसके आते ही यह दुश्मन देश पर इस कदर टूटेगा कि वह अपने सपने में भी भारत के क्षेत्रों में प्रवेश करने की हिमाकत नहीं जुटा पाएगा। विक्रांत युद्धपोत पर तैनात होने वाले फाइटर जेट की सूची में 4 देशों के फाइटर जेट शामिल होंगे, जिसमें फ्रांस का राफेल, अमेरिका का F-18, रूस का MiG-29 के और स्वीडन का ग्रिपेन शामिल है। विक्रांत इस वक्त हिंद महासागर और अरब सागर में गहन परीक्षण में गुजर रहा है। जिस प्रकार से पिछले कुछ महीनों में चीन अपनी सबमरीन को पाकिस्तान को मुहैया कराया है, उससे चीन भारत पर हमले करने के लिए पाकिस्तान को साथ लाना चाहता है, जिसको देखकर भारतीय नौसेना ने भी एक ऐसे युद्धपोत को समुद्र में उतारने की तैयारी की है, जिसके दिए जख्म को आज भी पाकिस्तान भुला नहीं पाया है। भारतीय नौसेना का चीन पर प्रहार के लिए तैनात हुआ स्वदेशी विमान वाहक युद्धपोत विक्रांत। दोस्तों, भारत के पहले पूर्ण स्वदेशी युद्धपोत को बनाने की योजना 1999 में ही बनाई गई थी और आखिरकार 22 साल बाद इस योजना को पूरी तरह से अंजाम दिया गया है। जी हां, 2021 में 40,000 टन वजन का ISC विक्रांत का सफलतापूर्वक परीक्षण किया जा चुका है। आपको बता दें कि INS विक्रांत नाम का युद्धपोत पहले भी भारत के पास था और इसी युद्धपोत के जरिए 1971 में भारतीय नौसेना ने पाकिस्तान को बुरी तरह से हराया था। INS विक्रांत ने पाकिस्तान की कराची बंदरगाह को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था और भारतीय नौसेना का सर गर्व से ऊंचा कर दिया था। भारतीय नौसेना 1997 में INS विक्रांत को रिटायर्ड कर चुकी है और नए एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाने की योजना शुरू हो गई है। आपको बता दें कि किसी भी नए युद्धपोत को बनाने में बहुत बड़े बजट की जरूरत होती है। COVID-19 के बाद जहां दुनिया भर के कई देशों की अर्थव्यवस्था गड़बड़ाई है, ऐसे में नए युद्धपोत का निर्माण भारत के लिए बेहद ही मुश्किल कार्य रहा है। आप चौंक जाएंगे यह जानकर कि ISP P-71 विक्रांत की लागत करीब 30,000 करोड़ रुपए है। 262 मीटर लंबा और 62 मीटर चौड़ा यह युद्धपोत भारतीय नौसेना का वह सुरक्षा कवच है, जो समुद्र में होने वाले युद्ध को पल भर में दुश्मन के ओर ठिकाने लगा सकता है। अब जिस तरीके से चीनी ड्रैगन अपनी सेना को कभी LSC पर तो कभी
समुद्र में भारत पर हमले के लिए भेज रहा है। ऐसे में भारत को विमान वाहक युद्धपोत विक्रांत की सख्त जरूरत थी। आपको बता दें कि 52 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाला विक्रांत एयरक्राफ्ट कैरियर सिर्फ एक या दो फ्लोर का नहीं है बल्कि पूरे 15 फ्लोर का है। इस पर 1700 नौसैनिक आसानी से तैनात किए जा सकते हैं। इससे एयरक्राफ्ट कैरियर की खास बात यह है कि यह पूरी तरह भारत में बनाया गया है। अभी तक भारत ने चीन से चल रहे विवाद को हल करने में बातचीत भी की है लेकिन चीन तो युद्ध का मूड बना चुका है तो अब बातचीत से हल नहीं निकल सकता, जिसे भारत ने भी अब समुद्र में ही एयरबेस बना दिया है। दोस्तों INS विक्रांत को समुद्र का तैरता हुआ एयरबेस भी कहा जाता है। इस युद्धपोत पर लड़ाकू विमान और फाइटर हेलीकॉप्टर तैनात किए जाएंगे। अब चीन अगर भारत पर कोई भी गुस्ताखी करने की कोशिश करेगा तो समुद्र से फाइटर जेट उड़ेंगे और चीन पर बम बरसाना शुरू कर देंगे। आपको बता दें कि INS विक्रांत पर भारत का MiG-21 लड़ाकू विमान तैनात किया जाएगा। इतना ही नहीं, इस पर चेतक कोमो हेलीकॉप्टर समेत सी किंग भी तैनात करने की योजना बनाई जा रही है। साथ ही अमेरिका, रूस, फ्रांस और स्वीडन के फाइटर जेट में से भी किसी एक को शामिल किया जाएगा। बात अगर एयरक्राफ्ट कैरियर के चुनौती की करें तो सबसे बड़ी समस्या एयरक्राफ्ट कैरियर पर टेक ऑफ और लैंडिंग की होती है, जिसमें छोटी सी भी लापरवाही बहुत बड़े हादसे का रूप ले लेती है। सामान्य तौर पर किसी भी एयरपोर्ट का रनवे 2 से 3 किलोमीटर का होता है जबकि ISC विक्रांत का रनवे 200 मीटर लंबाई का है। INS विक्रांत के की जंप से ही एयरक्राफ्ट टेक ऑफ और लैंडिंग करते हैं। INS विक्रांत के कैप्टन सूरज पुरुषोत्तम ने बताया कि 2 से 3 किलोमीटर के रनवे को कम करके 200 मीटर का बनाना बेहद ही कठिन कार्य था क्योंकि इसी रनवे पर लगभग 20 से 30 जहाज एक साथ ऑपरेट किए जाएंगे। इतना ही नहीं, एक साथ लैंडिंग और टेक ऑफ का कार्य भी इसी रनवे पर होगा जो बेहद ही जोखिम भरा काम है। युद्धपोत को एक साथ कई नेवी ऑफिसर्स द्वारा कंट्रोल किया जाता है जिसमें विक्रांत के तापमान से लेकर बिजली उत्पादन का काम किया जाता है। INS विक्रांत को चलाने के लिए 4 गैस टरबाइन लगते हैं जो 90 मेगावाट की ऊर्जा उत्पन्न करते हैं जिसके द्वारा ही INS विक्रांत को समुद्र में चलाया जाता है। बात अगर INS विक्रांत की हो रही हो तो इंडियन नेवी से रिटायर्ड हो चुके अदम्य क्षमता वाले INS विक्रांत को भुलाया नहीं जा सकता, जिसने पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए थे। आपको बता दें कि 2021 में तैयार हुआ ISC विक्रांत का नाम IAS विक्रांत इसलिए रखा गया ताकि देश पहले INS विक्रांत को हमेशा याद रखे, वो INS विक्रांत जिससे पाकिस्तान आज भी खौफ खाता है। इतना ही नहीं, INS विक्रांत को डूबने के चक्र में पाकिस्तान का बेहद ही ताकतवर पनडुब्बी गाजी भी पूरी तरह से बर्बाद हो गया था। यानी कि पाकिस्तानी पनडुब्बी गाजी को बर्बाद करने का पूरा श्रेय INS विक्रमादित्य को भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल होने से पहले बाकू और एडमिरल गोर्स्कोव के नाम से जाना जाता था। इसका वजन 44,570 टन है यानी कि INS विक्रांत से 4,000 टन ज्यादा। दुश्मन के इस काल की ऊंचाई 60 मीटर है जो कि 54 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है और किसी भी युद्ध को आसानी से जीत सकता है। INS विक्रमादित्य की खास बात यह है कि यह 500 किलोमीटर के दायरे में आने वाली किसी भी प्रकार की मिसाइल, टॉर्पीडो या इलेक्ट्रॉनिक हमलों की पलक झपकते ही मार सकता है। 15 मंजिल का यह एयरक्राफ्ट कैरियर एक दिन में समुद्र में 500 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। इसके अलावा 2 या उससे अधिक ऑपरेशन एक साथ इस पर चलाए जा सकते हैं। 40,000 टन का यह संहारक भारतीय नौसेना के लिए ब्रह्मास्त्र से कम नहीं है। 1999 में भारतीय नौसेना ने पहली बार स्वदेशी युद्धपोत बनाने का निर्णय लिया और 10 साल बाद 2009 में इसका निर्माण शुरू कर दिया गया। तो दोस्तों इस खबर में इतना ही, लेकिन आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें।